नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, उसके खिलाफ मैं पूरे देश में लड़ रहा हूं। गुजरात में चुनाव हुआ, वहां जाके लड़ा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में गया, कर्नाटक में गया, पंजाब में गया। मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब मैं बाकी प्रदेशों में जा रहा हूं और मैं नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा से लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। क्योंकि मेरा पहला लक्ष्य अमेठी की जनता की मदद करने का है। अब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं तो मुझे पूरे देश में लड़ना पड़ता है और मुझे बाकी प्रदेशों में जाकर उनकी विचारधारा से लड़ना पड़ता है। और आप लोग अमेठी में मेरी आवाज, आप लोग जानते हो आपके बीच में मेरे बीच में रिश्ता क्या है। आप लोग जानते हो कि किस प्रकार से हमने मिलकर, प्रियंका ने बोला कि राहुल जी ने काम किया, नहीं सही नहीं है, मैंने काम किया, मगर अमेठी उत्तर प्रदेश की महिलाओं की शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। तो आपने भी अपनी शक्ति देकर मदद करके रिश्ता क्या आया है और इस परियोजना ने लाखों महिलाओं की जिंदगी बदली है, लाखों परिवारों की जिंदगी बदली। और मैं चाहता हूं कि ये जो परियोजना है सिर्फ अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में ना रहे, पूरे हिंदुस्तान में ये जो आपकी सोच है ये। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में आपके लिए क्या किया है। क्योंकि आप समूह की हैं, आपको पैसे के बारे में, बैंक के बारे में, इन चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह मालूम है। शायद आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी ज्यादा आप फाइनेंस के बारे में, बैंकिंग के बारे में जानते हो, सही बात। तो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान से वायदा किया था और गरीबों से वायदा किया था कि 15 लाख रुपए मैं हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। याद होगा आपको, पिछले चुनाव में याद है ना, डालेंगे। उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाए मगर एक रुपया नहीं डाला, नहीं डाले ना। यहां किसी को नरेंद्र मोदी जी ने बैंक अकाउंट में पैसा डाला? अब आप सुनिए, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है साफ, लड़की पढ़ाना, लड़की बचाना, मैं उनको पैसा दे, कुछ भी नहीं किया उसने, सारा टिकट बिका लिया और अपने खाते में। और अनिल अंबानी जैसे लोगों को उन्होंने दिया, मगर कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये आपके लिए, पूरे देश के गरीब लोगों के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया, झूठ था। अब हमने सच्चाई निकाली है, बिल्कुल, अब हमने सच्चाई निकाली है। हमने 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया और उनसे पूछा, भैया मैं गरीब जनता को पैसा देना चाहता हूं, मैं महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को दे सकती है। मैंने उनसे कहा आप जाके काम कीजिए, 3-4 महीने है, पता लगाइए, वापस आइए, मुझे बताइए। 4 महीने बाद वापस आए, मेरे ऑफिस में आए, मुझे कहते हैं राहुल जी हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, हम हिंदुस्तान की हर महिला, गरीब महिला, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 72,000 रुपए डाल सकते हैं। और आप सोचिए, न्याय योजना इसका नाम है, जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम होगी, उसको हिंदुस्तान की सरकार सीधा बैंक अकाउंट में महीने का 6,000, साल का 72,000, 5 साल का 3,60,000 रुपए बैंक में डालेगा और उस दिन तक डालेगा, उस दिन तक डाला जाएगा जब तक उस व्यक्ति की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम हो। जैसे ही उसकी आमदनी 12,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगी, न्याय योजना का पैसा उसको नहीं मिलेगा, मगर जब तक उसकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम होगी उस दिन तक उसको पैसा हर महीने 6,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए, 10 साल के आप कैलकुलेशन कर दीजिए। तो ये ऐतिहासिक निर्णय,
अब नरेंद्र मोदी पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, हमने कहा कि हम ये काम करने जा रहे हैं, वो कहते हैं पैसा कहां से आएगा। मगर जब वो अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का राफेल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हवाई जहाज वायुसेना का हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो ये सवाल ही पूछते। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, ये जो आपके 10-15 मित्र हैं जिनको आपने 5,55,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया, गरीबों का न्याय योजना का पैसा इनकी जेब से मैं निकाल के गरीबों को देने वाला हूं। तो ये हमारी एक स्कीम है। पहले हम 100 दिन का मनरेगा देते थे, अब इस बार हम 150 दिन का मनरेगा देंगे। और हमारे मैनिफेस्टो में अलग अलग ऐसे ऐतिहासिक स्कीम। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो मैंने आपसे पहले कहा, आप मेरा काम जानते हो, आप जानते हो कि किस प्रकार से मैंने आपके साथ काम किया है, आप जानते हो किस प्रकार से हमने लाखों महिलाओं की जिंदगी एक साथ मिलकर लाखों महिलाओं की जिंदगी बदली। अब बाहर के लोग यहां आकर गलत बातें कहते हैं। और आप जानते हो कि अमेठी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आप गांव में जाइए और जो सच्चाई है वो आप जनता को बताइए। और कांग्रेस पार्टी का मेरा आप पूरा समर्थन कीजिए, मदद कीजिए, और जो हम काम कर रहे हैं उसे हम तेजी से आगे ले जाए। आप सबका मैं दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो यहाँ महिलाएं आई हैं, सुष्मिता जी ने मुझे अभी बोला, और मैं जरूरी बात बोलनी, जो न्याय योजना का पैसा 5 करोड़ परिवारों को जाएगा, अब आप बहुत खुश होंगी, जो 5 करोड़ परिवारों को जाएगा, हर महीने जाएगा, वो महिलाओं के बैंक अकाउंट पे पैसा जाएगा। बात समझ आई ना, महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों डाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी, समझे ना बात, क्योंकि आप लोग सोच समझ के पैसे का इस्तेमाल और आप सही तरीके से उसको खर्च करोगे। इसीलिए नेशनल योजना का पैसा हिंदुस्तान की महिलाओं के बैंक अकाउंट पे जाने वाला है। दूसरा काम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए आपके लिए करने जा रही है। और तीसरी बात और आखिरी बात, नेशनल लेवल पे सरकारी नौकरियों में 33% रिजर्वेशन हम महिलाओं को देने जा रहे हैं। सही बात अच्छी लगी आपको? तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद 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 प्रियंका देवी, प्रियंका देवी। Yeah.
सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।